मुझे एक अद्भुत चीज मिला है जो कि बिहार में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता तो है। चारों तरफ सिर्फ काजू के ही पेड़ हमें देखने को मिले हैं। तो मैंने कुछ काजू के कुछ फल मैंने इसमें से तोड़ लिए हैं और आपको दिखाते हैं कि काजू के जो भी पेड़ है चारों तरफ सिर्फ काजू ही काजू है, इसलिए उड़ीसा में सस्ते काजू पाए जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों आ चुके हैं फाइनली, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि उस बड़े सी पहाड़ी पे जाकर के हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं। दोस्तों मैं फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचा है और मैं इसी के ऊपर जाकर के अभी ब्लॉग शूट करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक आप लोग जरूर बने रहे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में कितने छोटे छोटे पशु पाए जाते हैं। देखिए यहाँ की जो गाय है वो भी काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे पाई जाती है, इसका नस्ल आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि गाय सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। बहुत घना जंगल है गाइस, डर लग रहा है लेकिन तब पर भी हम लोग जा रहे हैं। चार आदमी से है, कुछ है क्या? तो दोस्तों मैं फाइनली उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं और देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत ही घने जंगल है, तो इसमें कुछ डरावने चीज़ भी हो सकते हैं। इसके लिए हमारे दोस्तों ने यहां पे अपना सुरक्षा के लिए डंडे ले लिए हैं। तो चलिए इस जंगल में तो आ चुका हूं, लेकिन ऊपर जो पहाड़ है उस पे जाने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं यहां पे आने के बाद मुझे एक अद्भुत चीज़ मिला है जो कि बिहार में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है और यहां पे चारों तरफ सिर्फ काजू के ही पेड़ हमें देखने को मिले हैं। तो मैंने कुछ काजू के कुछ फल मैंने इसमें से तोड़ लिए हैं और आपको दिखाते हैं कि काजू के पेड़ किस प्रकार के होते हैं। और देखिए इसमें चारों तरफ से काजू के ही पेड़ आपको दिख रहे हैं। दोस्तों इधर देख सकते हैं, बहुत ही नियर यहाँ पे काजू के जो भी पेड़ है चारों तरफ सिर्फ काजू ही काजू है, इसलिए उड़ीसा में सस्ते काजू पाए जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग काजू तो देख लिए हैं, काजू के पेड़ किस प्रकार के होते हैं उड़ीसा के क्षेत्र में, और ये जो जंगल है काफ़ी डरावना देखने में लग रहा है, इसीलिए हम लोग सुरक्षा के लिए अपने हाथों में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रख लिया है। तो चलिए हम आप लोगों को धीरे धीरे इस लोकेशन की ओर बढ़ते हैं और इसके अंदर जाना खतरों से खाली नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग यहीं पे रुकने का प्रयत्न। दोस्तों फाइनली हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर आने के बाद हमें पहाड़ पे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला, तो हम लोग यहां से वापस चलते हैं क्योंकि शाम होने वाला है तो हम लोगों को यहां पे खतरा भी हो सकता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से रिटर्न चलते हैं अपने रूम के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जब रिटर्न हो रहे हैं तो हम लोग रास्ते में एक ऐसा चीज़ मिला है जो अक्सर पहाड़ों पर पाया जाता है जो कि छुई मुई का पौधा है। तो इसे हम लोगों को एक आप लोगों को हम लोग जादू दिखाने वाले हैं जो कि छुई मुई के पौधों के साथ अक्सर होते रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से छूने के साथ ही ये मुरझा जाता है और कर दिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जंगल के रास्ते से निकल करके रोड पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं रूम की ओर। देख सकते हैं आप लोग की संध्या हो चुकी है और ये सूर्यास्त का खूबसूरत सा दृश्य हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।